आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि HDMS में जो एरर आ रहा है दोस्तों, आपको न्यू कनेक्शन बनाने पर दोस्तों उस विषय में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने इनवॉइस किया है दोस्तों, इनवॉइस करने के बाद में कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों, स्क्रीन ऑफ कॉपी मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है दोस्तों, उसमें क्या करना है, क्या करना होता है दोस्तों, मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। इसलिए आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जब ये आप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिलेशनशिप आईडी पर आ जाना है दोस्तों। जिस किसी भी कस्टमर का आपको एरर आ रहा है दोस्तों कनेक्शन बनने पर, उसकी रिलेशनशिप आईडी कॉपी कर लेनी है, कंज्यूमर नंबर कॉपी कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे उसका। ठीक है दोस्तों, पेस्ट करने के बाद में एंटर दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एंटर दबा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन है मेरा, इसमें एरर आ रहा है दोस्तों। चलिए डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं। देखिए दोस्तों, 29 तारीख को मैंने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था दोस्तों। चलिए डॉक्यूमेंट्स नंबर पर क्लिक कर लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए सब कुछ सही से भरा हुआ। चलिए इनवॉइस कंप्लीट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, इनवॉइस कंप्लीट करेंगे तो क्या बता रहा है दोस्तों, स्क्रीन कॉपी ऑफ आधार UID डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी वो फिर क्रिएटिंग न्यू कनेक्शन न्यू SV। ठीक है दोस्तों, जबकि मैंने इस पर टोटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, फिर भी एरर आ रहा है। एरर किस लिए आता है दोस्तों, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बात। देखिए दोस्तों, कैंसिल भी नहीं हो रहा है दोस्तों, कैंसिल ऑफ इनवॉइस पॉसिबल ओनली सेम डे बता रहा है दोस्तों। इसको ही मैं कैंसिल करके दिखाऊंगा आपको। चलिए फिर से रिलेशनशिप आईडी पर आते हैं दोस्तों। रिलेशनशिप आईडी पर आने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से रिलेशनशिप आईडी पर क्लिक कर लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों, लास्ट नेम पर क्लिक कर लेना है आपको इस बार। ठीक है दोस्तों, लास्ट नेम पर क्लिक करने पर सबसे नीचे जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स इनके सब कुछ क्लियर एड है। चलिए दोस्तों नीचे आएंगे। देखिए दोस्तों, इस पर क्यों बता रहा है दोस्तों, इस पर तीनों डॉक्यूमेंट्स बने हैं, इस पर BPL डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हाईलाइट भी नहीं हो रहा है, प्लस का सिंबल, इसको हाईलाइट कैसे करते हैं दोस्तों। चलिए पहले इसको कैंसिल कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ आपको मैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको आ जाना रिलेशनशिप आईडी पर। ठीक है दोस्तों, रिलेशनशिप आईडी पर आने के बाद में आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स पर, फिर से आपको आ जाना है डॉक्यूमेंट्स नंबर पर। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स नंबर पर आने के बाद में इनवॉइस पर आ जाएंगे। इनवॉइस पर आने के बाद में देखेंगे दोस्तों इसको कैंसिल कैसे करते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, करना है आपको, अब आ जाना है लाइन आइटम पर। ठीक है दोस्तों, इसको कैंसिल करने के लिए ध्यान रहे दोस्तों, लाइन आइटम सर आकर ही कैंसिल होगा। देखिए क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको आ जाना है हॉट प्लेट पर। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर प्लस कर लेंगे दोस्तों। देखिए जिन में से आपको किसी पर भी क्लिक कर देना है। चलिए देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद में मैं इस पर आ जाऊँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और ओके कर दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, ओके कर दिया है मैंने, अब इस पर आएंगे दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, इस पर आने के बाद में क्या करना है आपको, इस पर भी चेंज कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस पर भी चेंज करने के बाद में इसको कर देना है दोस्तों। चलिए थोड़ा लोड लेगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही ट्रिक है इस पर कैंसिल करने की, ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए इस प्रकार से आप इसको भी कैंसिल करके देखें दोस्तों। देखिए कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली, 24 जनवरी में, 31 जनवरी में, यानी कि आज की डेट में पहुंच गया है दोस्तों। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे दोस्तों। देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैंसिल हो गया है। देखिए यहाँ पर भी कैंसिल आ गया है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। रिमार्क में कुछ भी डाल देना है आपको, ओके डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बैक आएंगे, रिलेशनशिप आईडी पर आएंगे दोस्तों। फिर से रिलेशनशिप आईडी पर आने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप पर भी कैंसिल का ऑप्शन आ गया है, अब यहाँ से इसको भी कैंसिल कर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी कैंसिल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कैंसिल हो गई है दोस्तों, अब क्या करना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट नेम पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट नेम पर आ जाना है आपको। लास्ट नेम पर आने के बाद में क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी प्लस का सिंबल हाईलाइट हो गया है दोस्तों। चलिए प्लस कर लेते हैं दोस्तों। प्लस करने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से BPL डिक्लेरेशन फॉर्म डाल देना है। चलिए BPL डिक्लेरेशन डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या करना है आपको, रिलेशनशिप जनरेट कर लेनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं रिलेशनशिप जनरेट करके दिखा देता हूँ आपको। क्लियर, दोबारा ऐसे जनरेट करके दिखाऊंगा। ठीक
उसके बाद में कंट्रोल एस कर देना है आपको। देखिए दोस्तों ऐसे जनरेट हो गई है। अब क्या करना है आपको, इसको एक न्यू से एक्टिव कर लेना है आपको, जब भी आप कनेक्शन बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको न्यू से एक्टिव करते हैं। क्या करना है दोस्तों, चलिए यहाँ से आपको डॉट लगा देना है, एक नीचे क्लिक कर लेंगे। सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से इसको, यहाँ से न्यू वाली को कॉपी कर लेंगे अब। ठीक है दोस्तों, कॉन्टैक्ट नेम पर क्लिक कर देना है आपको। कॉन्टैक्ट नेम पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से लास्ट नेम से फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से उनका नाम लिख देंगे जो भी नाम था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डॉट लगा देंगे, यहाँ से डॉट जो पढ़ने लगाया था सर्च कर लेंगे। देखिए दोस्तों वो अकेला आएगा। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रैक है ये एक्टिव करने के लिए। देखिए दोस्तों केवाईसी लेवल आ गया। चलिए रिलेशनशिप पर आते हैं। यहाँ से जो अपन ने कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। लास्ट नेम पर आएंगे दोस्तों, लास्ट नेम पर आने के बाद में उजला समरी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उजला समरी सेलेक्ट करने के बाद में सिंपल सा चेक कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स हटे तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए कोई भी नहीं हटा है। अब इस पर आएंगे दोस्तों, VPL डिक्लेरेशन और स्कैन करके डाल देंगे दोस्तों, जो कि पहले से स्कैन करके रखा हुआ है मैंने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी डाल देते हैं जिससे कि फिर से प्रॉब्लम ना आए आपको। देखिए दोस्तों सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं इस पर। देखिए दोस्तों, ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको। देखिए एक्टिव एपटेक दोनों हो गए हैं एक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब स्कीम सेलेक्ट कर लेना है आपको। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, याद रहे सबसे पहले आपको कंट्रोल एस करना है स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद में। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपको CLE डेटा पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं, एक बार में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए क्लियर हो गया है। जब जाके इसे जनरेट कर लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे जनरेट करके दिखा देता हूँ फटाफट से आपको। चलिए यहाँ से डिफॉल्ट कर देना है। डिफॉल्ट करने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से अपना हॉट प्लेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से NFR नली सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, जिस भी कंपनी की आपके पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए PR का डाल देते हैं। यहाँ से सीरियल नंबर डाल देते हैं PR का, जो भी हमारे पास है वो डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सिंपल सा सबमिट सबमिट कर देंगे। इनवॉइस कर देना है, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा, सीधा एक बार में ही कंप्लीट ले लेगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों टेक्निकल टाइम एरर आ रहा है दोस्तों। सिंपल से इसको एक बार यहाँ से क्लिक कर देंगे, अब ले लेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बार में ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम IDMS से संबंधित आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो दोस्तों हमें कमेंट करें।